है, मैं इनके है बेवर का दोस्त हाँ। हूँ पहली बार और यहाँ पे इवेंट है, उसमें तो कैसा लगा आपको भोपाल हाँ। बहुत ही सुंदर जगह है सुंदर है भी बहुत अच्छा। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पूछ रहे थे कि रदम भैया टाइम नहीं दे रहे हाँ, भैया हम भी नहीं रहते नहीं बट वो टाइम नहीं दे रहे है ना थोड़े ज्यादा बिजी है ना और मैं मुझे सुनने में आया कि आप आप बोलिए इनको कि मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए मैं आपका निकने दूंगा अभी, मैं। <laughs> तो मैं भी बोल दूंगी आपका निकनेम तो <laughs> आपका तो बहुत ही गंदा नाम है <laughs> <laughs> तो <में> <laughs> देखिए कोई अगर चाहता है कि अपना ब्लॉग खराब ना हो तो ये आज से मेरा न्यू सब्सक्राइबर है ठीक है हेलो एवरीवन और ये देखिए रात के 11 ग्यारह बज रहे हैं और रदम भैया के फ्रेंड और ये लोग सब लोग डिनर पे आने वाले हैं यहाँ अच्छा जगी हुई है वेट कर रही है और मैंने बनाया है चिकन है चिकन अफगानी जो तो कि सबको बहुत पसंद है तो अभी सब लोग आ जाएगा तो फिर मैं निकालूँगी और यहाँ मैंने बना ली है राइस और और अभी ये लोग आएंगे तो ये लोग शायद रुमाली रोटी लेके आएंगे और यहाँ पे आराम से बैठ के अक्षरा अपना डोरे एंजॉय इन्जॉय कर रही हैं वेट करी मैंने कहा खा लो तुम खाना ग्यारह बज रहा है तो नहीं वो रिदम चाचो के साथ ही डिनर करेंगे हाँ अक्चरा हाँ। खा लो साथ खाना लेट हो रहा है ग्यारह बज रहा है तो वेट कर रही हैं और ये देख रही है यहाँ पे डोरेमोन ये कितना अच्छा लग रहा है ना मुझे ना ऐसे डीम लाइट मुझे बहुत मुझे अच्छी लगती है अच्छा और ये वाला रैम मुझे बहुत पसंद है हेलो एवरीवन और आप सब कैसे हैं तो आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा तो उसमें मैंने बोला था ना कि मैं आपको पकौड़े की नून भरिया की रेसिपी शेयर करूंगी तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने प्याज आलू और हरी मिर्ची धनिया इन सबको कट कर लिया है और इसमें हमें आटा मिलाना है आटा यहाँ पे मैंने वन एंड हाफ कप आटा मिलाया है और यहाँ पर मैंने जो प्याज लिया था वो दो लिया दो मीडियम साइज़ का था और एक बड़ा तो प्याज वो लिया था आलू इन सबको हमें छोटा छोटा टॉप कर लेना है हरी मिर्ची काट लेनी है और अच्छे से आटे में कूँद लेना है मिला लेना है जैसे भी आपने देखा था और उसके बाद हमको जैसे पकौड़ी नॉर्मल पकौड़ी छानते हैं उस तरीके से हमें छानना है और ये बहुत अच्छी लगती है शाम को चाय के साथ सुबह आप जो है बना सकते हैं सुबह भी खा सकते हैं क्योंकि आजकल तो मानसून का टाइम है तो बारिश में बहुत अच्छे लगते हैं ये पकौड़ी और इसमें अजवाइन डालना मत भूलेगा अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है तो चलिए अब आते हैं आपको दिल्ली वाले छोले की रेसिपी मैं आपसे कह रही थी ना कि मैंने बनाया है वो जो मैंने मंगाया है मसाला द, दिल्ली वाले छोले का मसाला तो वो मैं इसकी रेसिपी के साथ शेयर कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद वाले मटर लिए हैं इसको हम बॉइल करेंगे तो उस मैंने जाल डाला है दो तीन लौंग डाले दो तीन काली मिर्च डाली एक बड़ी इलायची दो छोटी इलायची और एक दालचीनी का मैंने डाल दिया है टुकड़ा और तेज़पत्ता और इसमें हम यूज़ करेंगे ग्रीन जो टी बैग आता है आप इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा नमक डालेंगे उसके बाद हम इसको दो से तीन सीटी लगाएंगे और हमारे जो सफ़ेद मटर हैं वो रेडी हो जाएंगे सफ़ेद मटर एक्चुअली मैं बनाती नहीं हूँ मैं हमेशा छोले भटूरे के साथ ना मैं काबली चने ही काबली चने ही वाले ही बनाती हूँ छोले बट ना यहाँ पर इनको मतलब अक्षरा के पापा का मूड था कि नहीं सफ़ेद वाले मटर का बना के देखो कैसा बनता है तो इसलिए मैं यहाँ पर सफ़ेद वाले मटर का बना के देख रही हूँ और ये बहुत अच्छे बने थे तो बस अब यहाँ पे ये देखिए हमारे मट टर हो गए अच्छे से डन हो गए हैं और मैं खाने वाला सोडा इसमें मैं नहीं डालती बहुत लोग डालते हैं बट मैं नहीं डालती हूँ कि मैंने दो से तीन सीटी दिलाई है इसके बाद मैं छोलों ये जो छोले बनाऊँगी तो उसमें भी मैं दो सीटी दिला दूँगी और यहाँ मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि मैंने भटूरे का आटा तैयार करके रख लिया है मैंने यहाँ पर डेढ़ कप के आसपास पैदा लिया इसमें मैंने वन टी स्पून के आसपास मैंने रिफाइंड डाला थोड़ा सा नमक और दही हाफ कप दही डाल के मैंने इसको खूब अच्छे से गूद लिया है और जब तक मेरे छोले रेडी होंगे तब तक ये अच्छे से आ, मतलब आ, जो है मैंने जो ये मैदा रखा है वो भटूरे के लायक तैयार हो जाएंगे तो बस ठीक है यहाँ पे मैंने कुकर लिया कुकर में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है और छोले बहुत अच्छे बनते हैं मस्टर्ड ऑयल में तो आप वैसे आप आपको अगर रिफाइंड में बनाना है या देसी में बनाना है वो आपके ऊपर है बट मैं छोलों को हमेशा ऑयल में बनाती हूँ और यहाँ पे मैंने हींग डाला हींग मैं ज़रूर डालती हूँ जब भी मैं छोले बनाती हूँ चाहे वो काबली चने के हों चाहे ये सभी डले मटर के हों तो हींग मैं ज़रूर डालती हूँ और यहाँ पे मैंने दो जो है बड़े साइज़ का था आ, अनियन को मैंने अच्छे से इसमें चॉपर में चॉप कर लिया है और अब इसको हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे थोड़ा ब्राउनिश होने पे, आ इसको हम थोड़ा प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे उसके बाद इसमें जो है वन आ, टेबल स्पून के आसपास अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करेंगे क्योंकि अदरक लहसुन का इसमें अच्छा टेस्ट आता है और इसलिए इसको हम पहले ही प्याज के साथ ही डाल देंगे कि जो इसकी कच्ची वाली स्मेल होती है वो प्याज के साथ भुनते भुनते वो अदरक लहसुन की कच्ची वाली स्मेल चली जाती है और एक्चुअली जो है छोलों में तो टमाटर भी पड़ता है बट टमाटर इतने महंगे इतने महंगे तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर एक टमाटर यूज़ किया है वैसे दो दो तो मैं यूज़ करती हूँ बट मैंने एक ही टमाटर यूज़ किया है तो यहाँ पे मैं एक टमाटर भी चॉपर में चॉप कर लूँगी और वो इसको इसमें ऐड कर दूंगी और यहाँ पे मैं नमक इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि प्याज जल्दी सॉफ़्ट हो जाएंगे अच्छे से पक जाएंगे इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दिया है और उसके बाद मैंने टमाटर जो एक टमाटर मैंने चॉपर में चॉप किया है वो मैं इसमें डालूँगी और उसको भी मैं मसालों के साथ अच्छे से भूनूंगी क्योंकि टमाटर जब थोड़े से पक जाएंगे फिर हम इसमें वो जो दिल्ली छोले वाले मसाले जो हैं वो हम यूज़ करेंगे और आप भी ये छोले वाले जो मसाले हैं आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया टेस्ट और बहुत ही अच्छा कलर आया था जो छोलों का जो कलर दिल्ली का जो, जो छोले मिलते हैं वैसा कलर होता है बिल्कुल वैसा कलर आया था और मेरे हस्बैंड को दिल्ली वाले छोले मतलब बहुत पसंद है क्योंकि बहुत टाइम दिल्ली में रहे हैं तो वो बहुत ही उनको मतलब जब भी दिल्ली जाते हैं वैसे भी खाते हैं तो उनको बहुत पसंद है दिल्ली वाले छोले तो इसलिए ये मसाला मिलने से मुझे ये तो बेनिफिट मिला कि वो कलर और वो टेस्ट तो आ गया तो ये देखिए ये है दिल्ली छोले मसाले आप भी इसको ले सकते हैं मैंने तो बिग बास्केट से लिया है और ये मार्केट में मैंने देखा है कि आराम से मिल जा रहे हैं दो तीन जगह मैंने देखा है शॉप पर कि वहाँ पे भी हैं तो आप भी इसको ले सकते हैं तो यहाँ पे मैंने ना ये मेरा ना टी स्पून है तो मैंने यहाँ पे ना जो है फन नहीं मैं मतलब मैंने यहाँ पे इस जो है दो से ढाई टी स्पून का मैंने मसालों का यूज़ किया था और मुझे एक्चुअली मैं पहली बार यूज़ करती हूँ तो मुझे डाउट रहता है कि ऐसे ना हो कि मसाले कम हो जाए बट नहीं इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा था अगर मैं मैंने इसके बाद ना मैंने थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला डाला क्योंकि मुझे डाउट था कि कहीं वो तीखापन वो टेस्ट नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा बट बाद में जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं वो नहीं भी डालती तो भी चलता क्योंकि बहुत ही बढ़िया फ्लेवर था बहुत ही अच्छा टेस्ट था और इसमें हमें और भी कोई मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी बस इसमें इन मसालों को जब हम ये डालेंगे तो इसको कम से कम पाँच से दस मिनट तक इस मसालों को भुनना है वो भी जो मैं पानी वही यूज़ कर रही हूँ जिस जो, जो पानी मैंने बॉयल किया था मटर मटर का यूज़ किया था वो पानी मैं फेंकूँगी नहीं मैं वो पानी इसी छोले बनाने में यूज़ कर लूँगी और उसी पानी को डाल डाल के मैं मसाला भून रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे जैसे मैंने स्पाइसेस डाले थे तो उसका बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग अच्छा फ्लेवर था इसलिए मैं मैंने उस पानी को टस्कार नहीं किया तो और फिर मैं उन्हीं पानी को डाल के मसाले को भूने और बहुत ही बढ़िया मसाला हमारा यहाँ पे भुन चुका है इसके बाद जो हम मटर रखे हुए हैं उस मटर को डाल डालेंगे और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि मैंने मुझे मेरा मेरा डाउट था कि कहीं ये मसाला कम ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर है गर्म मसाला मैंने स्टेज पर डाल दिया था बट मुझे लगा की नहीं डालने की जरूरत नहीं है और इसमें मैं ना कसूरी मेथी का यूज़ जो है मैंने किया है कसूरी मेथी बहुत अच्छे लगते हैं छोले में और उस मैंने यूज़ किया था आप भी इसमें यूज़ ज़रूर करिएगा बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो थोड़ा सा कसूरी मेथी डालने के बाद पाँच मिनट के आसपास हम थोड़ा और भूनेंगे उसके बाद जो ये मटर हमने बॉईल करके रखा है उसको पानी के साथ इसी में डालेंगे और दो से तीन सीटी और दिलाएँगे तो हमारे छोले डन हो जाएंगे दो से तीन सीटी इसलिए दिला रहे क्योंकि मैंने सोडा नहीं डाला तो थोड़ा सीटी दिलाएँगे तो मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और वो बिल्कुल जैसे लो सोडा डाल के वो जो टेस्ट आता है आ, वो वाला टेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगता है बट ये कि हमारे छोले पक जाते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं तो ये वहाँ पे देखिए हमारे अच्छे से मसाले भुन गए कलर कितना अच्छा आया है जैसे छोलों का दिल्ली वाले छोले का कलर आता है थोड़ा ब्लैकिश कलर हो लिए हुए तो ये थोड़ा वैसा ही है एकदम डार्क ब्राउन कलर का देखिए कितना बढ़िया मसाला हमारा यहाँ पे भुन चुका है अब बस हम यहाँ पे ये यह मटर है जो हम बॉईल करके रखे थे इन्हें हम उसी पानी के साथ इसमें डाल देंगे और अगर आप चाहें तो जो इसमें इस स्पाइसेस आपने डाले थे खड़े मसाले जो डाले थे तो वो आप निकाल सकते मैंने निकाल दिया है मैंने कुछ कुछ निकाल दिया एक दो चीज़ें मुझे और जो दिखी तो मैंने उसको भी निकाल दिया और यहाँ पे हम फिर दो से तीन सीटी लगाएंगे और हमारे छोले रेडी हो जाएंगे और इसके बाद ना तड़का लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तो जो आप छोले खाते हैं दिल्ली वाले छोले ना उसमें भी वो तड़का लगाते हैं अदरक का और हरी मिर्ची का तो आप भी इसमें जो है तड़का ज़रूर लगे क्योंकि अद्र... तड़का लगाने के बाद बहुत ही बढ़िया टेस्ट हो गया था तो क्योंकि मैंने पहले भी टेस्ट किया था मतलब तड़का देने के पहले मैंने अपने हस्बैंड को टेस्ट कराया था तो उनको बहुत अच्छा लगा मुझे लगा रहा था कहीं मसाले की को कोई कमी तो नहीं है लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा और जब मैंने तड़का देने के बाद भी टेस्ट कराया तो ये बोले कि बहुत ज़्यादा अब तो और भी बहुत अच्छा हो गया तो यहाँ पे हमारे देखिए ये छोले कितने बढ़िया तैयार हो गए हैं क्या कलर आया है और ऐसा ही कलर होता है बस आप थोड़ा सा हल्का हल्का सा मैश कर दीजिएगा क्योंकि तो जैसे कुछ वो थोड़ी सी उसकी ग्रेवी थोड़ी ठीक हो जाती है बहुत अच्छी हो जाती है तो थोड़ा सा मैं इसे उसी के से के थ्रू ही मैं इसे थोड़ा सा उसमें जो है उसको हल्का हल्का सा मैश कर दे रही हूँ और फिर उसको अब इसमें हम तड़का लगाएंगे तड़का ना मैं देसी घी में लगाऊँगी देसी घी जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और जो है मैं यहाँ पर आपको देसी घी दिखा रही हूँ ये मैंने घर में ही देसी घी निकाला है मलाई से तो मैंने आ, मैंने कभी भी जब से मेरी शादी हुई तब से मैंने कभी भी देसी घी मार्केट से नहीं खरीदा है मैं पूजा के लिए भी मलाई से ही देसी घी निकाल के रखती हूँ और मैं डेली यूज़ में जो खाने वाला देसी घी होता है मैं उन्हीं मलाई से निकाल के रखती हूँ और ये देखिए कितना बढ़िया देसी घी है बिल्कुल एकदम बढ़िया हाँ येलो कलर एकदम बहुत ही अच्छा मतलब देसी घी है ये तो मैं इसी देसी घी में टू टेबल स्पून भर के मैं देसी घी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद उसमें मैं अदरक और हरी मिर्ची को मैंने लंबे लंबे में काट लिया है और उसके बाद हम उन्हीं अदरक और मिर्ची जो मैंने काटा है उसको उसके अंदर डालेंगे और इसको थोड़ा सा अदरक सॉफ्ट होने पे सॉफ़्ट होने तक और मिर्च में थोड़ा सा जैसे हम मिर्ची फ्राई कभी कभी खाते हैं ना पाव भाजी के साथ या बड़ा पाव के साथ तो उतना हम आ, उसको उतना फ्राई करेंगे मिर्ची और अदरक को और उसके बाद हमें इसे आ, छोले में इसका तड़का लगा देंगे अगर आप चाहते हैं कि अगर आप देसी घी में नहीं तड़का लगाना चाहते हैं तो आप रिफाइंड में भी लगा सकते हैं मस्टर्ड ऑयल में या किसी भी ऑयल में जिसमें जिसमें आपको पसंद आता है या जिसमें आप खाना चाहते हो तो उसमें आप तड़का लगा सकते हैं बट देसी घी में अगर आप लगाएंगे तो इसका टेस्ट डबल हो जाता बहुत ही यमी बहुत ही टेस्टी छोले बने थे और ये छोले मसाले को मैं टेन में से टेन दूंगी क्योंकि ये मसाले बहुत ही बढ़िया थे और अब जब कभी ये मसाले यूज़ करें तो अलग से कोई एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इस मसालों में सारा वो फ़्लेवर है सारी चीज़ें हैं सारी स्पाइसेस पड़े हैं जो एक छोले में पड़ते हैं और स्पेशली दिल्ली वाले छोले जो दिल्ली वाले छोले खाने के शौकीन होंगे उनको इस्पेशली बहुत पसंद आएगा तो बस यहाँ पर देखिए हमारा ये तड़का हमारा रेडी हो गया है अब इसको भी हम इसमें छोले में तड़का लगाएंगे और फिर गर्म गर्म भटूरे छान के गरम गरम सर्व करेंगे छोले भटूरे का कॉम्बिनेशन हर किसी को पसंद आता है हर किसी का फेवरेट होता है बस कुछ लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं सबके तरीके अलग अलग होते हैं तो बट मैं एक्चुअली मैं ये मसाला जो है दिल्ली वाले आ, जो है मसाले लेके आई थी तो मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि मैं ये जब भी बनाऊँगी तो इसकी वीडियो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी इसीलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आई होप कि आप लोगों को ये आ, रेसिपी पसंद आई हो बहुत ईजी झट से बनने वाली कुछ अलग सा कुछ नहीं करना पड़ा आपको बस वही सारे मसाले जो हैं आपको डालना है उसके अलावा कोई मसाले नहीं डालिएगा और आपके यहाँ पे देखिए छोले एकदम डन हो गए हैं यहाँ पे कलर भी बहुत अच्छा आया है तो बस आप इसको तो गरम गरम भटोरे के साथ सर्व करिए हरी ध हरी धनिया डालिए हरी धनिया से इसको गार्निश करिए बहुत ही यमी बनते हैं ये छोले मुझे तो मुझे मुझे तो बहुत पसंद आए मेरे हस्बैंड को भी सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है क्योंकि उनको बहुत पसंद आते हैं दिल्ली वाले छोले तो अगर आपको कभी भी दिल्ली वाले छोले खाने हों तो ये आप ट्राई कर सकते हैं आप इसे बना सकते हैं घर में तो आपको ये इसकी कमी अब नहीं खलेगी क्योंकि आप ये हमेशा आप कभी भी अपने घर में बना सकते हैं तो बस हमारे यहाँ पे छोले डन हो गए अब हम की एक कढ़ाई चढ़ाएंगे उसमें रिफाइंड डालेंगे उसको गर्म होने तक गर्म हो जाएगा उसके बाद हम भटूरा छानेंगे तो मैं यहाँ पे एक आपको बता हूँ ट्रिक बाकी जब भी हम भटूरे बनाते हैं ना तो जो कढ़ाई का जो जो घी होता है वो हमेशा ना एकदम गर्म होना चाहिए या आप देख भी रहे होंगे कि मैंने जो रखा है गैस पे कढ़ाई उसकी फ्लेम एकदम हाई है क्योंकि अगर आप फ्लेम हाई नहीं रखेंगे तो आपके भटूरे बहुत फूले फूले नहीं बनेंगे बहुत रेड जैसे रेड कलर आपको अगर मार्केट वाला फुला फुला सॉफ्ट खाना है ना तो हमेशा भटूरों को हमेशा हाई फ्लेम पे बनाते हैं ये और ये बहुत ही, बढ़िये, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही सॉफ्ट बनता है तो यहाँ देखिए हमारे घी जो है एकदम गर्म हो चुका है उसके बाद मैं ये भटूरा बेलूँगी और उसके बाद मैं और ये एकदम रेड रेड एकदम सॉफ्ट से बनते हैं कि आपको एकदम तो मार्केट की याद आ जाएगी कि आप मार्केट वाले भटूरा खा रहे हैं बस हाँ ये कि इसका जो मैदा होता है जो हम कूद के रखते हैं ना उसको कम से कम बनाने के पहले दो तीन घंटे पहले कूद के रख दीजिए तो ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं और ये देखिए ये हमारे यहाँ पे भटूरे रेडी हो गए और ये देखिए कुछ भी नहीं जैसे मैंने कढ़ाई में डाला वैसे ही वो अपने आप फूल के ऊपर आ गए और ये इतने बढ़िया इतने यमी इतने सॉफ्ट बने थे कि जो है सबको बहुत पसंद है स्पेशली स्पेशली अक्षरा को अक्षरा को भटूरा बहुत पसंद है वो वो उससे छोले उतने पसंद है जितना वो भटूरे बहुत शौक़ से खाती है वो रोल करके खाती है वो कभी भी क्योंकि इसमें नमक पड़ा था वो तो कभी भी खा लेती है उसको बहुत पसंद आता है ये भटूरा और ये देखिए हमारे भटूरे यहाँ पे कितने फूले फूले कितने अच्छे से भटूरे हमारे यहाँ पे रेडी हो गए तो बस हम बड़ा इसको निकालेंगे इसको सर्व करेंगे हरी धनिया के साथ छोले छोले में हरी धनिया डालिए इसके साथ आप अगर आप अचार खाते हैं मिक्स वाला अचार तो अचार यूज़ कर सकते हैं बट मैंने सैलड रखा है मैं यहाँ पर जो है प्याज से ऊपर छोले में छोले को गार्निश करूँगी और उसके साथ सैलड रखूँगी और ये देखिए हमारे यहाँ पे थाली रेडी हो गई है यहाँ पे मैंने छोले में ऊपर डाल दिया है अनियन काट के छोटे छोटे चॉप जैसे हम उसमें डालते हैं ऑमलेट में वैसा फाइन मैंने चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया छोले में और यहाँ पे मैंने सैलड हमारे खीरा और प्याज का सैलड तैयार हो गया